वैसे सच बताइए, मेरी मेहंदी लग कैसी रही है? देखिए, आज का दिन हर सुहागन सजती है तो अपने सजना के लिए, और चार चांद लग जाते हैं उसके श्रृंगार में जब एक बार उनके जो पति देव हैं यूं मुस्कुराकर उनकी तरफ देख ले। वैसे लीजिए, पहला करवा चौथ का त्यौहार तो हमारी गुड्डन का भी है, लेकिन बेचारी गुड्डन, इसकी तो शादी पर भी ड्रामा हुआ और उसके बाद मुंह दिखाई पर भी ड्रामा हुआ, तो करवा चौथ का त्यौहार कैसे कुछ अलग होता। शादी के बाद गुड्डन का पहला करवा चौथ, लेकिन इस करवा चौथ उसका सुहाग उसके पास नहीं है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगस्त्या अस्पताल में है, तो उसी की जान की सलामती के लिए गुड्डन ने ये करवा चौथ का व्रत रखा है। इस सासू माँ ने मोहल्ले की सारी औरतों को इकट्ठा किया, इस सभी सुहाग ने मिलकर एक करवा चौथ की पूजा भी कर रही है। शादी के बाद बाय चांस शादी करवा चौथ के इतने करीब हुई है कि सबसे पहला फंक्शन ही घर में करवा चौथ का है, तो गुड्डन को लगता है कि इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता पति पत्नी के रिश्ते की शुरुआत का, क्योंकि अगस्त्य होश में नहीं है, अगस्त्य के सिर पे गहरी चोट लगी है। सो गुड्डन यही मांगती है ऑफकोर्स कि आज तो करवा चौथ का दिन है, तो आज तो मेरे को अपने पति की सलामती ही मांगनी है कि मेरे पति ठीक रहे। अब गुड्डन ने भी पूजा की और साथ ही भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की दुआ ही कर रही थी के लीजिए, एक कनेक्शन इतना तगड़ा निकला भगवान जी और गुड्डन का कि इधर खबर आ गई कि भैया ठीक हो गए। अब गुड्डन का करवा चौथ का ये व्रत तो सफल हो गया, पति की जान बच गई। इससे बड़ी खुशखबरी भला एक सुहागन को और क्या मिल सकती है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनकी लाइफ में बिल्कुल रंग नहीं था। भाई, लाइफ में रंग कैसे होगा जब घर में महिलाएं नहीं थी, तो लाइफ तो बेरंग थी ना। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं गुप्ता एंड सन्स की। अब यहाँ पर महिला भी आ गई है घर के अंदर शादी करके, और जाहिर सी बात है कि अपना हक भी जमा रही है भाई गृहस्थी पर, तो ऐसे में इनका करवा चौथ कैसा बीत रहा है चलिए देखिए। शिव और गंगा की शादी जिस सिचुएशन में हुई है, उस सिचुएशन की अगर बात करें तो गंगा को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसे शिव ना ही अपनी पत्नी मानता है और ना ही उसके तीनों देवर उसे अपनी भाभी मानते हैं। पति पत्नी का ये रिश्ता तो केवल नाम के लिए है, लेकिन अब पत्नी है ना, पति के लिए कैसे बुरा सोच सकती है। वो तो शिव को चाहती है और अपना पति भी मानती है, इसीलिए तो उसने आज करवा चौथ का व्रत रखा है। कुछ ऐसा हो जाता है कि आई एम श्योर लोगों ने उम्मीद भी नहीं की होगी। क्या होता है वो आपको गंगा जी बताएंगे। पता नहीं है कि मैंने व्रत रखा है, तो क्योंकि मेरी तरफ से तो प्यार है तो इसीलिए मैंने रखा है, पर लेकिन अभी बाद में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि सिचुएशंस कुछ और होने वाली है जाकर। मैंने वहाँ पे जो थाल में जितने पैसे जमा हुए सब इनको दे दिए। जो पंडित जी को सबने दक्षिणा दिया था ना, वो चुरा के बनिया हो ना, तो जो पैसा आया घर में वो कहीं नहीं जाएगा, घर में ही जाएगा। मैं तो अच्छे से रेडी हो गई हूँ, मैं अपना दुकान भी जल्दी से बंद करके आ गई घर पे,
आके मैंने अच्छे से तैयार व्यार हो गई हूँ मैं। मैं भी अपना दुकान बंद करके मंडी चला गया था और घर आ गया। सच में मंडी चला गया था, घर आया तो पता चला रही यहाँ तो पूजा पूजा हो रही है। लेकिन उसे क्या पता था कि इस करवा चौथ की पूजा में हंगामा होने वाला है और ये हंगामा कोई और नहीं बल्कि उसके देवर ही करने वाले हैं। किसने बोला ये सब करने को? और अंदर कैसे आए आप लोग हमारे घर में? करवा चौथ है ना, तो इसलिए मैंने पूजा की। किससे पूछा किया आपने सब? किसने परमिशन दिया आपको? इसका ये क्या भाभी भाभी लगा रखा है यहाँ? कौन भाभी, किसकी भाभी? और कभी दोबारा भाभी मत बोलना। अरे भाभी है, बतोशी भाई शादी किए से भाभी। और ये तो नहीं जानती, पर आप लोग तो सब जानते हैं ना हमारे घर के नियम कानून। हमारे घर में औरतों का आना मना है, अंदर कैसे आए आप लोग? अब गंगा के ये निठल्ले देवर नहीं जानते कि ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि भैया जब आएंगे ना तो इन्हीं की क्लास लेंगे। अब भी भैया को जब पता चलेगा ना कि गंगा ने उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, तब शिव की भी आंखें खुलेंगी और फिर उसके बाद से शुरू होगी इनकी लव स्टोरी। से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे पता है आज के दिन अगर किसी को आपको गुड न्यूज देनी होती है ना तो वो बस ये कह दे कि चांद आज जल्दी निकलाएगा। यकीन मानिए इससे बेहतर कोई गुड न्यूज नहीं दे सकता। लेकिन हमारी वाली गुड न्यूज में भी एक जगराता हो रहा है गुड न्यूज की उम्मीद पर। जी हाँ, काव्या प्रेग्नेंट है ऐसा सबको लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। और क्योंकि हर कोई चाहता है कि काव्या और उसका जो बच्चा हो जब भी हो वो अच्छा हो, स्वस्थ हो और माँ और बच्चा एकदम स्वस्थ रहे, इसलिए ये जगराता किया जा रहा है। इन शॉर्ट सीरियल में अभी बहुत कंफ्यूजन है। बच्चे की आने की चाह में इंसान क्या क्या नहीं करता है। अब रेणुका के घर में ही देख लीजिए, बुआ जी आई हैं और तो और उन्होंने गुरु माँ को भी बुला लिया है इस जगराते में। अब उन्हें लगता है कि नव्या मम्मी बनने वाली है और ऐसा करने से जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। मोहल्ले की तमाम औरतें इकट्ठा हुई है, जगराता कर रही है, लेकिन नव्या उदास है क्योंकि वो जानती है कि इन सब की खुशी एक पल में झूठी पड़ जाएगी अगर सच्चाई सामने आ गई। थोड़ी सी टेंशन है, थोड़ा सा माहौल नव्या के लिए उदास भी है। अभी वो रीजन भी क्या है वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट और ड्रामेटिक सीक्वेंस शूट होने वाला है, कैसे घर में कीर्तन रखा गया है और उस कीर्तन में क्या ड्रामा होता है ये मैं आपको अभी से नहीं बता सकती, लेकिन काफी बेसी और काफी इंटरेस्टिंग ड्रामा है आज। इधर रेणुका के भी आंखों में सपने हैं खूब सारे अपने होने वाले पोते को लेकर। वो चाहती है कि कान्हा जी उसकी गुहार सुन ले, लेकिन मम्मी जी ऐसा होगा नहीं, गुहार तो कान्हा जी सुनेंगे लेकिन आपकी बहू रानी की, और आपको एक बार फिर से बहुत जल्द मम्मी बनना होगा। तभी तो सीरियल का टाइटल ट्रैक हमारी वाली गुड न्यूज सार्थक होगा। वैसे देखिए महिलाएं जो हैं साल के 365 दिन सजती संवरती हैं, लेकिन आज के दिन का जो श्रृंगार होता है ना वो खास होता है, क्योंकि आज जब आप सजते हैं संवरते हैं और आपके पतिदेव आपको प्यार भरी निगाहों से देखते हैं तो लगता है कि हाँ मेहनत जो है ना वो सुखारद हो गई, आपकी मेहनत रंग ले आई। वैसे रंग ले आए मेहंदी तो क्या कहने, तो चलिए आपको लिए चलते हैं सीधा कनिका के पास, यानी कनिका महेश्वरी के पास, जो करवा चौथ का त्यौहार मना रही है बड़ी ही धूमधाम के साथ।
दिल वालों के शहर दिल्ली में पहुंची है कनिका महेश्वरी। अब दिल्ली में उनका मायका भी है और ससुराल भी, इसीलिए तो एक करवा चौथ के त्योहार पर वो दिल्ली पहुंची हैं। अब दिल्ली में भाई करवा चौथ की चकाचौंध तो देखने लायक होती है। दिल्ली की गलियों में मेहंदी लगाने वालों की होड़ लगी होती है और बाजार में जो चहल पहल होता है वो तो बस अलग ही होता है। अभी फॉर्चुनेटली हम दोनों ही दिल्ली में, नहीं तो मेरा एक शो था उमराव जान, मैं वो कर रही थी और ये दिल्ली में थे और मैं बॉम्बे में थी, तो हमने वर्चुअल बनाया था और इस बार साथ में है। और इतनी खूबसूरत मेहंदी लग गई है, हाथों में चूड़ियां ले ली हैं। इसी चहल पहल के बीच कनिका महेश्वरी अपने पति अंकुर के साथ पहुंची है मेहंदी लगवाने के लिए। अब भी जब लड़की की शादी होती है उस दिन भी वो मेहंदी लगवाती है, ये ठीक वैसी ही मेहंदी करवा चौथ पर भी लगवाने वाली है कनिका। पत्नी के हाथों में मेहंदी लग रही है तो पति कैसे उसकी सेवा करे। अब इतने साल हो गए हैं शादी को तो अंकुर अच्छे से जानते हैं कि कनिका को खुश कैसे रखना है। मैं बहुत खुश हूँ। What about you? मैं हद से ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। आपकी शक्ल देख के क्यों नहीं मुझे लगता? मेरी शक्ल ही ऐसी है, पर मैं बहुत खुश हूँ। मेहंदी लगवाने के बाद ये जोड़ी घर जाएगी और फिर हाँ, इंतजार भी तो करना है। सुबह सुबह इस सासू माँ से सरगी भी तो मिलेगी और नेहा को तो उनकी सासू माँ हर साल बहुत प्यारी सरगी देती हैं, जिसमें खूब सारे खाने पीने की सामग्री होती है और तोहफे भी होते हैं, जिसे देखकर एक कोई भी खुश हो जाता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, करवा चौथ का त्योहार अगर आप अपने पति के साथ मनाएं तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन क्या करें भैया, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में कोई इधर तो कोई उधर काम के चक्कर में रहता है, तो ऐसे में थैंक गॉड फॉर दिस डिजिटल वर्ल्ड एंड टेक्नोलॉजी कि अब आप चांद का दीदार और पति का दीदार कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हमारी जो नेहा मारदा है किस तरह वो मना रही है अपना डिजिटल करवा चौथ। जी हाँ, क्योंकि इनके जो पति हैं आयुष्मान वो तो पटना में है। त्योहार ही कुछ ऐसा होता है कि पतिदेव दुनिया के किसी भी कोने में रहे लेकिन पत्नी अपना करवा चौथ का व्रत रखना वो नहीं भूलती है। वैसे हम सब जानते हैं कि रात में पति के साथ इसकी पूजा की जाती है चांद देखकर, लेकिन वो पत्नियां क्या करें जिनके पति उनके पास नहीं रहते हैं। नेहा मारदा भी आज कुछ इसी दुविधा में है, करवा चौथ का व्रत तो रखा है लेकिन पति देव हैं उनसे दूर, तो ऐसे में उनका कहना है कि भला हो डिजिटल जमाने का जिसके चलते हम वीडियो कॉलिंग के जरिए हम अपने पति का चेहरा देख सकते हैं, इस साथ ही चांद को देखकर उसकी पूजा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हम पूरी दुनिया ही यू नो वर्चुअली वी आर डूइंग एवरीथिंग, बट ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार वर्चुअली कर रही हूँ, बिकॉज जिस तरह का हेक्टिक स्केड्यूल है हमारे काम का, या व्हेन आई एम शूटिंग एंड आई एम नॉट, मैं पटना में नहीं होती हूँ या आयुष्मान जी के पास नहीं होती हूँ, तो दैट्स द ओनली वे। एंड आई थिंक आई एम वेरी ग्लैड कि ऐसे सिस्टम्स हैं जहाँ हम एक दूसरे को इतनी दूर से देख सकते हैं। दो आई रियली मिस के शायद अगर मैं वहाँ हो सकती तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि मोमेंट्स बहुत इन्जॉय करते हैं। दीज आर द डेज, ऐसा नहीं है कि
कि कोई दिन अलग होता है, बट दीज आर द मोमेंट्स दैट यू मिस इन लाइफ, कि ये एक दिन को स्पेशल बना देता है. बट नेवर माइंड, वीडियो कॉल्स जिंदाबाद. सो यस, आज मैं वीडियो कॉल के थ्रू आयुष्मान जी को देखने वाली हूँ. एंड दो उन्हें बहुत ऑकवर्ड लगता है ये सब कुछ, लेकिन मेरे लिए मेरी ये ट्रेडिशंस हैं, ये कल्चर है, एंड आई एम गोना डू दिस. वैसे भी आजकल डिजिटल का जमाना है, तो ऐसे में किसी को भी बुरा नहीं लगेगा कि पत्नी अपने पति की पूजा वर्चुअल कर रही है. और रही बात तोहफे की, तो वो तो मिल ही जाएगा जब पति देव आएंगे, या फिर पैसे ट्रांसफर कर दे पति तो पत्नी वैसे ही गिफ्ट ले लेगी. तो मैं अपना फास्ट तोड़ने वाली हूँ, वैसे नेहा के लिए ये करवा चौथ और दिवाली बहुत ही खास है, क्योंकि इस मौके पर जी टीवी पर उनका नया शो जो आ रहा है, क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी, इसके लिए नेहा बहुत ही एक्साइटेड है. तो भाई नेहा, हमारी ओर से भी आपको आने वाले नए शो की खूब सारी बधाई. मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. देखिए, त्योहार का मजा तभी आता है जब आप अपनों के साथ मनाएं. मतलब ये नहीं है कि करवा चौथ का त्योहार है तो आप सिर्फ पति के साथ मनाएं. यकीन मानिए, जब परिवार के बाकी सदस्य भी शामिल हो जाते हैं ना त्योहार में, तो उसका आनंद दोगुना चार गुना हो जाता है. और शायद यही वजह है कि हमारी जो निधि उत्तम है ना भाई, याद नहीं आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है, कि हमारी नंदनी वो पहुंची है लखनऊ अपने ससुराल में करवा चौथ का ये त्योहार मनाने. से लखनऊ अपने ससुराल में पहुंची है निधि. अब भी सुहागनों का त्योहार करवा चौथ आया है, तो ऐसे में ससुराल पहुंचना सबसे अच्छी बात होती है. वरना हर साल तो निधि मुंबई में ही अपना करवा चौथ सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन आज जब मौका मिला है ससुराल में करवा चौथ मनाने का, तो भाई शॉपिंग भी होगी, मेहंदी भी लगवाएंगी वो, और हाँ, अपने सासू माँ के हाथों से सरगी भी लेंगी. क्योंकि आज है करवा चौथ, पर मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है, क्योंकि शादी के बाद आज पहला करवा चौथ है जो कि मैं अपने ससुराल वालों के साथ मना रही हूँ लखनऊ में. तो चलिए, मैं मिलाती हूँ आपको अपनी प्यारी सी सासू माँ से. ये है मेरी सासू माँ. और आज हम साथ में अर्ली इन द मॉर्निंग सरगी की रस्म करने जा रहे हैं, पर इस बार बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है. ऐसा लग रहा है अभी नई नई शादी हुई, और जैसे हम शादी में रस्में करते हैं वैसे आज करने वाले हैं.
तो मेरी सासू माँ ने मेरे लिए इतनी सुंदर सी थाल तैयार की है। इसमें क्या क्या है, इतने सारे फ्रूट्स हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं, खीर है, इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज सब तुम लोग लखनऊ में हो हमारे साथ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। उनकी दीदी ने उन्हें मेहंदी लगाया और देखिए मोहित भी आ गए इस मेहंदी का हिस्सा बनने के लिए। तो देखो मेरी ननद कितनी प्यारी मेहंदी लगा रही है मेरे लिए। ये है मेरी श्वेता दीदी। हाय। वाओ दीदी कितनी सुंदर मेहंदी लगाई आपने, बिल्कुल घर पे प्रोफेशनल्स वाला काम कर दिया। थैंक यू। इसने हम दोनों के नाम की मेहंदी अपने हाथ में लगा ली है। सास बहू साजिश के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयां। हैप्पी फास्टिंग, हैप्पी करवा चौथ। अभी निधि को तो ऐसा लग रहा है जैसा कि उसका पहला करवा चौथ है। अब भी ससुराल में इतना लाड़ प्यार मिलेगा तो किसी भी बहुरानी को ऐसी ही फीलिंग आएगी ना। वैसे निधि हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने करवा चौथ का हिस्सा इस सास बहू और साजिश को भी बनाया। हमारी ओर से भी आपको हैप्पी करवा चौथ। नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए चांद का दीदार करके उसके बाद अपने पिया का चेहरा देखकर हर सुहागन आज के दिन जो है अपना व्रत खोलेगी। हाँ ये बड़ा फिल्मी लगता है ना, फिल्मी नहीं होता, इट्स एक्चुअली दीज स्मॉल स्मॉल इंस्टेंसेस जिनको आप सेलिब्रेट करते हैं ना तो लाइफ में आनंद आ जाता है। तो चलिए अब थोड़ा सा फिल्मी हम भी हो जाते हैं, दिखाते हैं कि प्रीशा और रुद्राक्ष किस तरह अपना करवा चौथ का त्यौहार मना रहे हैं। प्रीशा के लिए क्या है ये तो आप सब जानते हो, इसीलिए मैंने सोचा कि पंजाबीज के लिए रुद्राक्ष पंजाबी है तो उनके लिए करवा चौथ कितना मायने रखता है, तो मैंने सोचा कि मैं भी रखती हूँ उसके लिए कुछ स्पेशल जेस्चर करती हूँ। तो मैंने उसके लिए करवा चौथ रखा है आज और ये सब तैयारियाँ की है मैंने। ये करवा है, इससे व्रत तोड़ा जाता है और मिठाई के नाम पर चॉकलेट लेकर आई हूँ मैं। मैं उससे बोलूँगी सॉरी बट स्टिल, क्योंकि अभी कोविड टाइम्स है और पैक्ड है, हाइजीनिक है, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट छलनी। इसमें मैं देख सकती हूँ मेरे चांद को। अच्छा लगा कि इतनी टकरार और इतना कुछ मैंने सुनाया है प्रीशा को, उसके बाद भी ये सारी रस्म और ये सब निभा रही है करवा चौथ का, तो शी इज ग्रेट, प्रीशा इज अमेजिंग। ये मेरा कर्तव्य है।
मेरे हिसाब से कि हमारे बीच में कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का हमेशा साथ देते और कितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे बीच हो, एक ट्रस्ट हमेशा है हमारे बीच जो शायद टूटेगा नहीं कभी। अब करवा चौथ रखा है तो मांगना तो कुछ ऐसे लंबी उम्र के लिए मांग देना, तो मैं यही मांगूंगी कि हमेशा अच्छे रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू सो मच, सेम टू यू। देखिए यूँ तो आज के दिन व्रत रखा जाता है, खाने पीने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक बार सुबह आपने सरगी कर ली और उसके बाद जब व्रत खोलेंगे चांद को देखकर तो फिर खाना खाया जाता है। लेकिन बेचारे वनराज भैया, इनका तो ज़बरदस्ती का करवा चौथ का त्यौहार हो गया क्योंकि पत्नी ने दे दिया खाली डब्बा। वैसे डोंट माइंड वनराज, आपने जो हरकत की है ना, आपको डब्बा ही नसीब हो गया, उसी में खुश रहिए। करवा चौथ के दिन ही वनराज का डब्बा हो गया खाली, या फिर यूं कहें कि अनुपमा ने वनराज को करवा चौथ का व्रत रखने के लिए मजबूर कर दिया। वनराज लंच टाइम पर अपने ऑफिस में टिफिन खोलने बैठा, मगर टिफिन के सारे डिब्बे खाली मिले और आखिरी डिब्बे में मिली एक चिट्ठी, अनुपमा का संदेश कि अब दिल में प्यार नहीं, आपके लिए कोई इज्जत नहीं, इसलिए टिफिन के डिब्बे में भी कुछ नहीं। 25 सालों से आपका ख्याल रख रही थी क्योंकि आप मन में थे, आप मन में भी खाली और डब्बा भी। वनराज की हालत तो बहुत बुरी हो गई और काव्या के सामने पोपट हो गया वो अलग, क्योंकि वो तो अनुपमा को नीचा दिखाने की प्लानिंग जो कर रहा था। सुबह सुबह ही उसके साथ झगड़ा करके आया है वनराज, और ये झगड़ा शुरू हुआ झिलमिल के नाम से, क्योंकि वनराज ने तो झिलमिल को पहले ही नौकरी से निकाल दिया था, लेकिन अनुपमा ने उसे फिर बुला लिया। वनराज अनुपमा से ऑर्डर करके नाश्ता मांग रहा था, मगर झिलमिल को सामने देख वो थोड़ा हैरान रह गया, और फिर शुरू हुआ द्वंद अनुपमा और वनराज का। वनराज अनुपमा का हौसला तोड़ना चाहता है, उसे फिर से नीचा दिखाना चाहता है, मगर अब अनुपमा पहले वाली आज्ञाकारी पत्नी नहीं है। अब तो अनुपमा अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, अपना सम्मान खुद बनाना चाहती है। वनराज पूरी कोशिश करेगा कि अनुपमा अपने इरादों में सफल ना हो, मगर अनुपमा कुछ बन के जरूर दिखाएगी, जैसे आज खाली टिफिन के साथ उसने वनराज को पाठ पढ़ाया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।